नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे भावी फौजी है जो इस बार के बीएसएफ हेड कोस्टल मिनिस्टर एसआई रिक्रूटमेंट 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, अभी सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होने वाला है और फिजिकल को लेकर बहुत सारे भारतीय परेशान है। ये सोच रहे हैं कि मेरा फिजिकल है उसका सेंटर कहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर जो आपका रिक्रूटमेंट आया है वो बीएसएफ के थ्रू आया है, लेकिन यहां पर सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज का एक साथ कंबाइन हेड कोस्टल मिनिस्टर और एसआई का रिक्रूटमेंट देखने को मिला है। तो आपका जो फिजिकल होगा वो बीएसएफ के सेंटर में होगा, सीआरपीएफ के सेंटर में होगा या आईटीबीपी के सेंटर में होगा, कौन से सेंटर में होने वाला है, आपके राज्य में कितने सेंटर फिजिकल और रिटर्न एग्जाम सीबीटी एग्जाम के बनाए गए, इसको लेकर ऑफिशियली तरीके से लिस्ट आ चुकी है। ऑल ओवर इंडिया 40 आप लोगों के फिजिकल और रिटर्न एग्जाम के सेंटर बनाए गए। जिन सेंटरों में आपका फिजिकल होगा उन्हीं सेंटरों में आपका सीबीटी एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो भाई ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज है कि मेरा फिजिकल है वो कौन से सेंटर में होगा, क्या बीएसएफ फिजिकल हार्ड लेता है या फिर सीआईएसएफ फिजिकल हार्ड लेता है, आखिर सीआरपीएफ के सेंटर में होगा या आईटीबीपी के सेंटर में होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे और इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ हेड कोस्टल मिनिस्टर एसआई कैप्स के अंडर में आई 1526 पोस्टों के इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें सारी चीजें पहले से लिखी गई है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इन्होंने कहा है कि आप लोगों का जो पीएचटी और पीटी होगा, साथ ही जो सीबीटी एग्जाम होगा, उनके सेंटर आपके नियरेस्ट जो सेंटर है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। अभी मैं बात करूंगा, जो भी कैंडिडेट है कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं उन सभी का फिजिकल है वो हेडक्वार्टर बीएसएफ कश्मीर, जो हुमाना डिस्ट्रिक्ट आपका बड़गांव श्रीनगर में सेंटर है वहीं पर आपका फिजिकल और रिटर्न एग्जाम होगा। अगर आप बिलोंग करते हैं जम्मू से, अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं भाई, आपका जो फिजिकल होगा, आपका जो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा वो कौन से सेंटर में होगा, तो आपका ग्रुप सेंटर जो सीआरपीएफ है बंटलेब जम्मू में आपका, वहां पर आपका फिजिकल कंडक्ट होगा। वही जम्मू में एक और फिजिकल सेंटर बनाया गया है जो कि बीएसएफ जम्मू, जो आपके पलोरा कैंप है उसमें आप लोगों का फिजिकल और सीबीटी एग्जाम का सेंटर बनाया गया है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं भाई, आपके राज्य में दो सेंटर यहां पर फिजिकल के बनाए गए। अगर मैं दोनों सेंटरों की बात करूं तो पहला फिजिकल और रिटर्न एग्जाम सीबीटी एग्जाम का जो सेंटर बनाया गया है वो 51वीं बीएन आईटीबीपी का जो सेंटर है उसमें बनाया गया है, मतलब आईटीबीपी यहां पर फिजिकल करवाएगी। और एक सेंटर आपका बना है वो पंजाब में बीएसएफ का बना है, जालंधर में, जालंधर कैंट में बना है और यहां पर आप लोगों के आईटीबीपी और बीएसएफ आपका फिजिकल और आपका सीबीटी एग्जाम आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। जो भी साथी इस बार अप्लाई किए मैं आपको बता दूं, फिजिकल के बाद में रिटर्न के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला और इसका जो फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनली जो मैट लिस्ट बनती है वो सीबीटी एग्जाम रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे बनती है और एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन तैयारी करेंगे, उतना ही आपका फायदा मिलेगा। साथ में आपको एक बार बता देता हूं, जो भी साथी है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और भाई एसएससी जीडी से भी कोई आसान नौकरी है तो यह हेड कोस्टल मिनिस्टर एसआई की जॉब है, यहां पर वर्दी मिलेगी, राइफल मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी, लेकिन आपकी जो रैंक होगी वो कॉन्स्टेबल से ऊपर होगी, आप हेड कॉन्स्टेबल होंगे। अगर आप जीडी से भर्ती होके जाएंगे 10 साल बाद में आपका प्रमोशन होगा, लेकिन यहां पर आप लोगों का डायरेक्टली हेड कॉन्स्टेबल के पद पर जाएंगे, पहला प्रमोशन आपका डायरेक्टली एएसआई का होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आपके कंधे पे एक सितारा लग जाएगा। तो भाई ये वाली जॉब बहुत अच्छी जॉब है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार का बैच आपके लिए हौलदार बैच शुरू कर दिया है। जो भी बच्चे टारगेटेड और डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस बार मेरा सिलेक्शन इस बार हेड कांस्टेबल के पद पर सीआईएसएफ बीएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी आईटीबीपी के किसी भी पोस्ट में हवलदार हेड कांस्टेबल या एसआई के पद पर होना है, तो भाई आज से ही ये नया बैच आपके लिए हवलदार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है, आपके एग्जाम में छपने वाली है। मैं आपको बता दूं, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो और आपकी मैथ हो, सारे अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेसिक से और जीरो से यह हवलदार बैच शुरू हुआ है। जो बच्चा पहली बार भी तैयारी करेगा वो भी इस बार वाले बैच से सिलेक्शन लेगा। इस बैच का हमने टारगेट रखा है वो रखा है 5000 प्लस बच्चों का सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने का, क्योंकि 30 गुना कैंडिडेट पास होंगे और मैं चाहता हूं हौलदार बैच से 5000 से ज्यादा बच्चे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके अगले स्टेज के लिए जाए। देखो इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस तो मिलती है, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलते हैं,
और सबसे अच्छी बात यह कि नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित टायर सीरीज भी आपको मिलेगी। संडे टू संडे आप लाइव टेस्ट दे पाएंगे जिसमें आप अपनी रैंक देख पाएंगे, अपना आपका स्कोर चेक कर पाएंगे। और भाई जो बच्चे हौलदार बैच से तैयारी करेंगे उनके लिए टायर सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप अकेली टायर सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी ₹199 में टायर सीरीज, और अगर आप कोर्स लेंगे ₹499 में 50% की छूट के साथ में, तो टायर सीरीज पीडीएफ नोट्स क्लास से पूरा स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं और भाई ज्वाइन होकर शानदार और जानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती है। अभी मैं लेके चलता हूं कुछ और सेंटरों के बारे में जो यहां पर दिए गए। अगर मैं बात करता हूं उत्तराखंड की, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं आपका फिजिकल होगा वो 23 BN ITBP में होगा, मतलब उत्तराखंड वाले अभ्यर्थियों का फिजिकल ITBP कंडक्ट करवाएगा, और दिल्ली वाले जो कैंडिडेट है उनके दो फिजिकल के सेंटर बनाए गए। पहला आपका BSF का होगा जो कि आपको पता है बादशाहपुर आपका जो सोना रोड पे है वहां पर आपका फिजिकल BSF कंडक्ट करवाएगी, और दूसरा आपका होगा वो GCCRPF में होगा झड़ोदा कला में। और यहां पर दो फिजिकल के सेंटर बनाए गए हैं, एक आपका जो हरियाणा वाले कैंडिडेट है उनका फिजिकल वगैरह यहां, और दिल्ली वाले यूपी वाले कुछ बच्चों का फिजिकल यहां पर होगा। BSF और CRPF दोनों सेंटरों में फिजिकल कंडक्ट होगा। अगर मैं हरियाणा वाले कैंडिडेटों की बात करता हूं, दो फिजिकल के सेंटर आपके बनाए गए हैं हरियाणा में, यहां पर आप देख सकते हैं। पहला आपका ITBP कोर्स का होगा जो कि जाटूसाना रेवाड़ी में आप लोगों का फिजिकल सेंटर रहने वाला है। दूसरा फिजिकल सेंटर हरियाणा वालों का रहेगा वो ग्रुप सेंटर आपका CRPF है केवरा, जो यहां पर बैलगर में आपका है मेरठ रोड पे सोनीपत में, वहां पर आपका फिजिकल कंडक्ट होगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य में तीन फिजिकल और रिटर्न एग्जाम के सेंटर यहां पर बनाए गए, ध्यान से देख लेना, तीन फिजिकल और रिटर्न एग्जाम के सेंटर बनाए गए। पहला सेंटर आपका बनाया ग्रुप सेंटर CRPF आपका रहेगा प्रयागराज में, जो सेंटर है वहां पर CRPF आपका फिजिकल और रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। दूसरा आपका ग्रुप सेंटर CRPF लखनऊ में जो सेंटर है वहां पर आप लोगों का CRPF फिजिकल और रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। और एक आपका जो आपका यहां पर कमांडेड 3rd बटालियन है SSB की गरी रोड सारण फार्म में, डिस्ट्रिक्ट आपका लखीमखेरी, यहां पर आपका SSB फिजिकल और आपका रिटर्न एग्जाम करवाएगी। अगर मैं बात करता हूं राजस्थान वाले कैंडिडेटों के लिए, तो भाई तैयार रहना, यहां पर आप लोगों के लिए दो सेंटर बनाए गए हैं राजस्थान वालों के लिए। पहला सेंटर आपका CISF की जो 8वीं रिजर्व बटालियन है जो कि आमेर डिस्ट्रिक्ट जयपुर में है, वहां पर CISF फिजिकल करवाएगी। और दूसरा भारत का सबसे बड़ा जो अगर मैं बात करूं तो भाई पश्चिम राजस्थान का और उत्तर पश्चिम का सबसे बड़ा BSF हेडक्वार्टर जोधपुर मंडोर रोड, यहां पर देख सकते हैं राजस्थान में BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर, सबसे ज्यादा कैंडिडेटों का फिजिकल मंडोर रोड जोधपुर वाले सेंटर में ही होने वाला है, यहीं पर फिजिकल होगा, यहीं पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अगर मैं गुजरात वाले कैंडिडेटों की बात करता हूं, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात में टोटल दो फिजिकल और रिटर्न एग्जाम के सेंटर बनाए गए हैं जिसमें आप लोगों के लिए CRPF रहेगा आपका पहला, एक सेंटर CRPF के सेंटर में फिजिकल होगा और दूसरा BSF के सेंटर में आपका फिजिकल होगा। अगर मैं बात करता हूं MP वाले कैंडिडेटों के लिए, तो भाई MP में टोटल तीन आपके फिजिकल के और रिटर्न एग्जाम के सेंटर बनाए गए, यहां पर आप देख सकते हैं तीन सेंटर बनाए गए। पहला आपका SSB जो अकेडमी भोपाल है वहां पर आपका फिजिकल और CBD एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर मैं दूसरे सेंटर की बात करता हूं, तो CSWT आपका जो BSF में इंदौर है बीजासन रोड पे, उस पे आपका फिजिकल और रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा। तीसरा आपका BSF एकेडमी जो टकनपुर में ग्वालियर में है, वहां पर आपका फिजिकल और CBD एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर मैं बात करता हूं बिहार वाले कैंडिडेटों की, इनका फिजिकल कौन कौन कंडक्ट करवाएगा, बिहार वाले कैंडिडेटों के लिए दो सेंटर बनाए गए हैं, और यहां पर जो होगा वो होगा जो 30 आपकी बटालियन है ITBP वो आपका फिजिकल कंडक्ट करवाएगी, और एक दूसरा आपका SSB का है जो कि वेस्ट चंपारण में आपका बिहार में है, वहां पर आप लोगों के नहर कटियागंज में आपका जो सेंटर है SSB का वो आपका फिजिकल और CBD एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। अगर मैं झारखंड वाले अभ्यर्थियों की बात करूं, तो यहां पर दो सेंटर है, पहला सेंटर आपका CISF का 2nd रिजर्व बटालियन, वहां पर आपका जो आपका दूरवा रोड है नगरी डिस्ट्रिक्ट रांची में आपका जो सेंटर बनाया गया है CISF का जो सेंटर है, वहां पर आपका फिजिकल और CBD एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर मैं इसके अलावा बात करूं, तो दूसरा सेंटर आपका BSF TCS आपका हजारीबाग में जो सेंटर है, वहां पर आपका फिजिकल और आप लोगों का CBD एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है भाई, ठीक है। अगर मैं अगले सेंटर की बात करता हूं, जो साथी वेस्ट बंगाल से पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं उनके लिए दो सेंटर बनाए गए हैं,
दो सेंटर नहीं भाई, तीन सेंटर बनाए गए। कौन कौन से फिजिकल सेंटर बने हैं वो आप लोग देख लेना एक बार। पहला फिजिकल सेंटर जो इंस्पेक्टर जनरल आपका हेडक्वार्टर बीएसएफ, बीएसएफ आपका फिजिकल करवाएगी। ये टाउन न्यू टाउन कोलकाता में इसका फिजिकल का सेंटर बनने वाला है। अगर मैं वेस्ट बंगाल के दूसरे सेंटर की बात करूं तो यहां पर सीआरपीएफ आपका दुर्गापुर में आपका जो बनाया है सेंटर वो सीआरपीएफ का बना है, सीआरपीएफ करवाएगी। और तीसरा आपका बीएसएफ आप लोगों का फिजिकल करवाएगी। मतलब पश्चिम बंगाल वालों का यहां पर बीएसएफ के दो सेंटर बने हैं और एक सेंटर सीआरपीएफ का बना है। यहां पर आपका फिजिकल और सीबीडी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, छत्तीसगढ़ में एक ही आपका फिजिकल सेंटर और रिटन एग्जाम का सेंटर बनाया गया है जो कि सीआईएसएफ दुर्ग में, जो सीआईएसएफ का सेंटर है वहीं पर आपका फिजिकल और रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर मैं बात करता हूं आपके उड़ीसा का, तो उड़ीसा में भाई सीआरपीएफ का जो भुवनेश्वर में जो सेंटर है वहां पर आपका फिजिकल और सीबीटी एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर मैं महाराष्ट्र वाले कैंडिडेटों का बात करता हूं तो यहां पर सीआरपीएफ का जो नागपुर में सेंटर है वहां पर आपका फिजिकल और सीबीटी एग्जाम कंडक्ट होगा। महाराष्ट्र में केवल एक ही सेंटर बना है। अगर मैं तेलंगाना की बात करता हूं तो यहां पर ग्रुप सेंटर जो सीआरपीएफ है चंद्रयन गुप्ता हैदराबाद में तेलंगाना, यहां पर आपका फिजिकल सेंटर होगा और तेलंगाना वाले बच्चों का फिजिकल है वो सीआरपीएफ कंडक्ट करवाएगी। कर्नाटका वालों का यहां पर बीएसएफ कंडक्ट करवाने वाली है जो कि बेंगलुरु में है। अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो एक और सेंटर है जहां पर सीआईएसएफ आप लोगों का बेंगलुरु में आपका फिजिकल और सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अगर मैं तमिलनाडु वाले कैंडिडेटों का बात करता हूं तो यहां पर ग्रुप सेंटर जो सीआरपीएफ आवड़ी में है चेन्नई में वहां पर आपका फिजिकल और सीबीटी एग्जाम होगा। अगर मैं केरला वाले बच्चों का बात करता हूं तो यहां पर जो सीआरपीएफ का तिरुवनंतपुरम में सेंटर है वहां पर आपका रिटर्न और फिजिकल आपका कंडक्ट होने वाला है। अगर आप असम से बिलोंग करते हैं, दो सेंटर आपके बनाए गए हैं असम में। पहला आपका सीआरपीएफ का, पहला आप लोगों का यहां पर देख सकते हैं बीएसएफ लेगी जो गुवाहाटी में सेंटर है, गुवाहाटी में सेंटर है वहां पर आपका फिजिकल और रिटर्न एग्जाम लेगा। दूसरा सेंटर आप लोगों का बीएसएफ का ही बना है जो कि अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का चचर असम में आप लोगों का पढ़ने वाला है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं मेघालय की बात करूं दो सेंटर मेघालय में बना गया है। मेघालय में एक तो असम राइफल के सेंटर में आपका फिजिकल होगा, दूसरा आपका मेघालय का होगा वो बीएसएफ के हेडक्वार्टर जो खासी और हिल्स के जो पहाड़ियां है वहां पर जो बीएसएफ का फिजिकल सेंटर है वहां पर आपका फिजिकल कंडक्ट होगा। और जो कैंडिडेट त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं उनका फिजिकल है वो बीएसएफ के अगरतला सेंटर में होने वाला है। तो ये टोटल ऑल ओवर इंडिया 40 फिजिकल के और रिटन एग्जाम के सेंटर बने गए भाई। अलग अलग सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज आपका फिजिकल और रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और मान के चलना 15 दिन में आपका फिजिकल कंप्लीट भी करवा लेगी। और फिजिकल के बाद में आपका सीबीटी एग्जाम रिटन एग्जाम होगा, उसके लिए आपको समय नहीं मिलेगा। जो साथी अभी से तैयारी शुरू कर देंगे वो बिल्कुल इस बार के बीएसएफ एचसीएम एसआई की भर्ती को और वैकेंसी को पोस्ट को करेक्ट करेंगे, एग्जाम को करेक्ट करेंगे और उनका सपना सच होने वाला है। दोस्तों क्या आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है? अगर अप्लाई कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट कर देना ताकि हर एक अपडेट आप लोगों तक मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक अपडेट है वो सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।